हेलो एवरीवन, आज सुबह में हमने ट्विटर पे टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला कि क्या आप लोग कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट या कंट्रेरियन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हो। 85% लोगों की वोटिंग थी कि नहीं जानते हैं। तो आज की वो वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसको समझने के बाद आप कम पैसों में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। यस, कम पैसों में अच्छा रिटर्न। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो 500-1000 रुपीज पर मंथ आराम से सेव कर लेते हैं। यानी कुछ अलग है वीडियो, इंटरेस्टिंग। तो डोंट वरी, अब ये सोचते हैं कि SIP की बात होने वाली है। नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड SIP की आज बात नहीं करेंगे। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। कुछ ऐसा एक्शन प्लान जहां पे जिनके पास 500,000 रुपए बचाते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ आज के वीडियो में। क्योंकि आप लोगों ने आज तक वैल्यू इन्वेस्टिंग सुना होगा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग सुना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग सुना होगा, स्विंग ट्रेडिंग सुना होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या है, जानेंगे सब कुछ। तो मैंगो पीपल की भाषा में अगर हम बात करें तो दुनिया से अलग करना, दुनिया से अलग, यानी जो लोग जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत उल्टे स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर दो, उसको कहते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। तो यानी आज की जो बातें होंगी बहुत उल्टी होने वाली हैं, और उल्टी बात को समझने के लिए चाहिए वक्त। इसलिए इस बात को समझने में अगर 3 से 4 बार भी वक्त लगे तो आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी कन्फ्यूजन गया तो ये वीडियो का मतलब अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, अनर्थ नहीं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, क्योंकि हमेशा लाते हैं कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें जो आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके इन्वेस्टमेंट की सोच को बदल के रख दें। देखिए, अगर आप 1000 रुपये महीना कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और कुछ रिटर्न मिले, करेक्ट है? और जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, तो लेना मुश्किल होता है और उसको ले नहीं हम लोग ले पाते हैं। अब जब अगर आप 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट 1000 से 1500 रुपये हो जाए या 2 से 3 साल में वो 1000 की इन्वेस्टमेंट 10,000 हो जाए। बिल्कुल 10,000 ही सोचोगे, 1500 रुपये तो सोचोगे नहीं। तो अब अगर जो आप रेपुटेटेड ब्रांडेड सेफ कंपनी है अगर वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो, कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। अब क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एक तो महंगा लेना मुश्किल और दूसरा कि उनमें कम टाइम फ्रेम में वैसा रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, रिटर्न मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये कंपनियां मैच्योर हो चुकी हैं, एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी हैं जिनका ग्रोथ कहीं ना कहीं लिमिटेड है और उस लिमिटेड के कारण वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती। तो आप अगर न्यू कमर हैं, स्टूडेंट हैं और एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कुछ उल्टी बातें होंगी, जिम्मेदारियां कम हैं और आपको हाई ग्रोथ के लिए रिस्क लेना तो है, क्योंकि यही तो वक्त है जब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। फिर तो शादी ब्याह बच्चे हो जाएंगे, क्या जिम्मेदारी ले पाओगे? फिर तो जिम्मेदारी के प्रति डरते डरते ज़िंदगी गुजरती है और डर के मारे हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं या आपने जॉब शुरू की है और आपके पास कुछ पैसे हैं जिससे कुछ आपको करना है, कुछ सही रिटर्न आना है, तो उस समय में HDFC, एशियन पेंट, इंफोसिस जैसे शेयर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं देते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उम्र पड़ी है जब हम एक लेवल पर पहुँच जाएंगे। बहुत लोग अब इस बात से मानेंगे नहीं, डिसएग्री करेंगे। देखिए, यंगस्टर और स्टूडेंट, अभी आपको 1000-1500 रुपये आराम से आप बचा लेते होंगे, कमा लेते होंगे और आपको उससे कहीं ना कहीं ऊपर का कमाना है, तो 1000 लगा के 10,000 टाइप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जुआ बाजारी की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब हम आपको रिस्की स्टॉक में जाने का बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी बजने लगती है घबराहट की, करेक्ट है? तो उस रिस्की स्टॉक का मतलब क्या है, हमें क्या क्या चीज़ देखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है। तो एक चीज़ ये समझिए कि जब हम रिस्की स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्क के भी लॉस होने के भी चांसेस इक्वल रहते हैं, इक्वल। तो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं केवल उतना ही इन्वेस्ट करूँगा जितना आप
लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। जितना अगर पैसा डूब जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, आपकी डेली लाइफ में उस एक्सपेंस, उस पैसे से कोई इंपैक्ट ना होने वाला हो। एक एग्जांपल, अगर आपके 10 रुपए कहीं गिर जाते हैं आपको तकलीफ नहीं होती, 100 रुपए गिर जाते हैं बहुत मामूली सी तकलीफ होती है। ये स्टूडेंट एंड कॉलेज गोइंग या जिन्होंने जॉब शुरू की है, मैं उसके हिसाब से अभी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके 2000 रुपए के नोट अगर कहीं गुम हो जाए तो बड़ा जोर का झटका, जोर से लगता है, धीरे से नहीं लगता है, करेक्ट? तो बहुत सारे लोग को झटका लग जाता है। तो सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो कौन सा अमाउंट है जिसके डूब जाने से आपकी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो आकलन है ना, ये आकलन किए बिना इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हैं और वहीं पे सबसे बड़ा झटका लगता है। क्योंकि देखिए, रिस्की स्टॉक में रिटर्न भी तगड़े हैं तो रिस्क भी उतना ही तगड़ा है। अब जानते हैं कि ये जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट है या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट है, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है? तो ये वो बला है जो बाजार के अगेंस्ट काम करती है। यहाँ क्राउड के पीछे नहीं चला जाता है, क्राउड जिस शेयर के पीछे जाती है उसके एकदम अपोजिट शेयर में जाते हैं। और ये जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट की बातें होती है ना, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद तब होती है जब मार्केट एक्सट्रीम वोलाटाइल होता है। एक्सट्रीम जैसे अभी जो मार्केट इतना बेहतरीन गिरा और उसके बाद रिकवरी उतनी बेहतरीन हुई, उस टाइम का जो मौका है ये उस कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन टाइमिंग होता है। कैसे जानेंगे सब? तो जैसे देखिए, अभी मार्केट में रिकवरी हुई तो क्या हुआ, जो सस्ते शेयर थे उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दी, राइट? तो अब वही सस्ते शेयर तो ढूंढना है, करेक्ट? वो हम बताएंगे कैसे ढूंढना है, बस जुड़े रहिए। अब आपके दिमाग में होगा कि इसको शुरू किसने किया, बस एक ही गुरु है हमारे, वॉरेन बफे सर। उन्होंने इसको एडप्ट भी किया और प्रमोट भी किया, और उसके बाद बहुत सारे एक से एक इन्वेस्टर ने इसको शुरू की भी की, मतलब इस शुरू की हुई चीज़ को पसंद करना शुरू किया। अब जब शेयर की कीमतें कम होती है, लोग मंदी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर होते हैं या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर होते हैं वो कम कीमत वाले शेयर को खरीदना पसंद करते हैं, और जब शेयर की कीमतें अधिक होती है लोग तेज़ी की बात करते हैं, वहाँ पे ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर उन शेयरों को बेचने की बात करते हैं और वहाँ से वो काम कराते हैं। अब सवाल आता है कि इसको ढूंढेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसको ढूंढने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि स्टॉक को आपको सर्च करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को सुन ही नहीं रहे हैं, पब्लिक के अगेंस्ट जा रहे हैं, करेक्ट है? तो पब्लिक के अगेंस्ट जा रहे हैं यानी हमें खुद में कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में समझने की। तो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे 2-3 चीज़ें। तो पहला, स्टॉक आपने जो सेलेक्ट किया उसको कितने लोग नापसंद कर रहे हैं? यस, नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर पब्लिक का इंटरेस्ट उस स्टॉक में है तो वो स्टॉक फिर कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर पब्लिक उस स्टॉक के पीछे है तो उसको भूल जाइए, लेकिन पब्लिक उस स्टॉक को नहीं पसंद कर रही है तो आप वहाँ पे पैसे लगा सकते हैं, ये वहाँ पे बेस्ट रिटर्न देने की चांसेस रखता है। दूसरा, क्या जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डूब जाए तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं ना? अगर तैयार हैं तो अब हम जानेंगे कैसे स्टॉक को पहचानना है। देखिए, सबसे पहले तो सिनारियो क्या है, तो सबसे पहले सिनारियो ये है, इसका तरीका। एग्जांपल के लिए जब आप 1000 रुपये लगाते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि 1000 रुपये लगाने पे आपके 700 रुपये डूब गए, लेकिन 300 रुपये उसमें इतनी बड़ी पावर है उस कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट के अंदर में कि आपके 700 डूबे हुए रुपए को भुलाकर 100-200-300% का रिटर्न दे सकती है। बेहतरीन। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखिए, ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करता है। किसी ने इस बात का गौर किया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं किया हो तो आज ही गूगल में आपको जिनका पोर्टफोलियो देखना हो, राकेश झुनझुनवाला, दमानी जी, बहुत सारे लोग हैं, सीध गूगल में डालिए इंडियन टॉप इन्वेस्टर की लिस्ट और उनके पोर्टफोलियो। आप उन पोर्टफोलियो में पाएंगे 70% स्टॉक डूबे हुए
और 30% जो चलते हैं ना 70% के लॉस की भी रिकवरी करते हैं और मेजर पोर्टफोलियो में रिटर्न भी देते हैं। तो अब सवाल आता है कि आप यंगस्टर हैं तो करेंगे कैसे। यहाँ पे हमें जो ध्यान देना होता है वो होता है सेक्टर। ये वो सीक्रेट है जो अब बता रहा हूँ। सेक्टर एग्जांपल के लिए समझिए, आपको सीमेंट सेक्टर पसंद आया। अब सीमेंट सेक्टर में जो टॉप लीडिंग है वो तो चल ही रहे हैं, उनको तो पकड़ना ही नहीं। अब वो सेक्टर पे ध्यान देना है जो उस सेक्टर में हर रूल रेगुलेशन फंडामेंटल में परफेक्ट है, सिर्फ कमी है तो वो ग्रोथ नहीं दिया है, वो चला नहीं है, बाकी वो हर एंगल से जिसको फंडामेंटल का बेस्ट कहा जाता है उस एंगल पे वो फिट बैठता है और कंपनी का प्रोस्पेक्ट उस लेवल पे जाने को रेडी बैठा है। वो जो तरीका है उसको आप सेक्टर वाइज जब सेलेक्ट करते हैं तो वहां से आप अपने स्टॉक को उठाते हैं सेक्टर वाइज अलग अलग। तब 5-6 डिसीजन खराब और जो 4-5 आपके उभर के आते हैं उस डूबे हुए को छोड़कर भी बेहतरीन रिटर्न आपको देते हैं, बेहतरीन रिटर्न देते हैं। अब ये चीज जो अभी मैंने कही कि आप किसी भी इन्वेस्टर का चेक करिए, इसी तरीके से एक तो पोर्टफोलियो डिवाइड होता है और इसी तरीके से उनका रिटर्न होता है। तो अब यहां पे आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इन्वेस्ट करना है और इसी तरीके से इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो आप सही दिशा में जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि सर आपने ये स्टूडेंट कॉलेज न्यू कमर को बताया तो क्या हम पुराने इन्वेस्टर हैं, हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इसका सिनारियो, चूंकि आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो, मैंने जैसा कि कहा ये स्टॉक का मतलब है आपको खुद की स्टडी आनी, आपको खुद का समझ होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ के ले रहा हूँ, मुझे फंडामेंटल आता है, मैं फंडामेंटल समझ रहा हूँ, तभी आप कर सकते हो। प्लस अगेन इसका पोर्टफोलियो जो आप नॉर्मल वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ पोर्टफोलियो पे रखते हो या बनाते हो, जिसको ए कैटेगरी का कहा जाता है, उससे एक अलग बनाना चाहिए जिससे कि वो पैसा डूबे तो तकलीफ ना हो। अब ये करना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हमें आदत है इधर उधर से सुनकर ट्रेड करने की, और दूसरा पोर्टफोलियो में जैसे ही शॉर्ट टर्म लॉस दिखता है हम परेशान हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉस ऐसे स्टॉक में दिखेगा ही दिखेगा, इसमें रिजल्ट कभी भी लॉन्ग टर्म ही आता है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं आता। आप लोगे और कहीं ना कहीं वो उल्टा हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा रीजन क्या है, स्टॉक को पहचानने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया। अब इसको और भी सिंपल सा बता दूं, कोई ऐसा सेक्टर का ऐसा स्टॉक लीजिए जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो बट कंपनी में पोटेंशियल की कोई कमी ना हो और फंडामेंटली सुपर हिट, तो आप आसानी से स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। इसको एक और आसान सी चीज जाते जाते बोलूंगा, बिल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज सिमिलर टू दैट ऑर्गेनाइजिंग अ क्रिकेट टीम। यानी जैसे क्रिकेट टीम में हर एक चीज को क्रिकेटर, बॉलर, स्पिनर, फील्डर, कौन कहाँ क्या पूरा एलोकेशन किया जाता है, बस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी आपको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। स्पेशली कॉन्ट्रा थीम में तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि ये एक ऑलरेडी हाई रिस्क गेम होता है और हाई रिस्क गेम में अगर हमने डिफरेंट नहीं लिया तो आप कभी भी सक्सेस हो नहीं पाओगे। तो ये रिस्क पोर्टफोलियो गेम होता है जहां पे हम विद एजुकेशन ही कर सकते हैं क्योंकि हमें किसी और को नहीं सुनना है, हमें खुद की सुनना है, हमें खुद की समझना है, हमें खुद की स्टडी करनी है, तब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हो तो 500,000 वाले भी यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको पहले से पता था या जो बताने का तरीका वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे सब लोग जान सकें, सब लोग समझ सकें, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए जिससे हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझना हो तो 10 जुलाई से जो हमारी क्लास है उसमें इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट सब कुछ सिखाते हैं। 9708094321 हमारा नंबर है। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करानी हो तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अगर आपको पोर्टफोलियो चेकअप कराना हो तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।